डिमांड वाई डिमांड रिमेन्स टेपिड इन रूरल इंडिया. सो अगेन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो जो इंडस्ट्री है एक पूरी, उनके लिए रूरल कंजम्पशन डिमांड या प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो व्हाई इट रिमेन्स टेपिड, डिमांड क्यों ज्यादा वॉलेटाइल भी है, क्यों ज्यादा कम भी हो रही है, दैट इज वी कैन से कि हम यहाँ पे बेसिकली पर कैपिटा इनकम की एक बात कर सकते हैं. रूरल सिंपली अगर मैं इसको पुट करूँ कि लोग ज्यादा डिमांड ज्यादा कंज्यूम तभी करेंगे जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी, रियल इनकम इंक्रीज होगी. तो एक चैलेंज ये भी है कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्टिकी, सो दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. एंड प्लस वी हैव बीन सीइंग कि हाउ रेनफॉल इंटेंसिटी हैज बिकम मोर वेरीड, उसमें ज्यादा वी आर सीइंग वेरिएशंस दिस टाइम. एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है. सो ये एक लाइक मेजर रीजन है बिहाइंड दिस कि वाई द डिमांड रिमेन्स टेपिड. ओके सो रूरल कंजम्पशन हैज़ बीन टेपेड, ले लिए इसको। फार्म एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ब्रॉडर यही है इसमें, लाइक इन्फ्लेशन और जो नो रियल इनकम इंक्रीज हुआ है वो कम हुआ है. एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं और जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी बात कर सकते हैं. एग्रीकल्चर जीवी हैज रिड्यूस्ड, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज हैव परफॉर्म बेटर। वी कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर। स्टार्टिंग विद द हिंदी न्यूज़पेपर, ये बोल लो मानसी, इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल से मैं प्रवेश बोल रहा। ये वही हम ले चुके हैं कि कभी कभी कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है. मतलब साइलेंस के थ्रू भी एक मैसेज यस जाता है. इट इज नॉट ऑलवेज कि आप वर्बली बोल के ही कुछ एग्जाम्पल, मैसेज भेज. तो एग्जाम्पल तो एग्जैक्टली आई कॉन्ट एग्जाम्पल रिकॉल मैं बता कि सकता हूँ। चाइना 1970s में उसको कितना बोला गया, वो डेंग जियाओपिंग का रिफॉर्म आया और धीरे धीरे ताकतवर, चुप रहना ये कर सकते हैं। दूसरा कि बोलता है कि बी साइलेंट लेकिन वर्क विल टॉक फॉर यू, वर्क विल स्पीक फॉर यू, ये एक एग्जाम्पल है सबका। जो भी एथलीट होते हैं, बड़े एथलीट, उनका भी रहता है रॉजर फेडरर टाइप, तो इसका ले सकते हैं। पिछले साल जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं, इसका दिया हुआ है। केरल में पतियों क्रूरता के मामले पड़े, तो धारा 498A होता है, सेक्शन 498 IPC। संपत्ति में छूट के लिए अब जियो टैगिंग करना पड़ेगा, ये डिस्कस किए। ओके प्रवेश, ट्रांसफर ये लो। भी झेलने को अभिशप्त पहाड़. अभिशप्त का अगर इंग्लिश बता दें दिव्या. मतलब ये है कि उनका जो इकोलॉजिकल दायरा है वो कम है, झेल नहीं सकते पहाड़, उसी का बात हो रहा हो। तभी यहाँ बात हो रहा है कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए, विकास के लिए खातिर नए सोच करना जरूरी है। जोशी मठ जैसे सड़कें में धंसना, सड़कों के धंसने, उन पर चलने वाले वाहनों में घाटियों में गिरने की नई घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ और पहाड़ी जीवन को आसान बनाने के लिए ईमानदार कोशिश करनी होगी।
ऐसे इसमें स्केप्स को सुरंग बनाया नहीं गया था। आप लगातार ड्रिलिंग कर रहे हो, आप वाटर स्टोरेज कर रहे हो, तो वाटर स्टोरेज से तो इम्पैक्ट पड़ता है लोकल जो जियोमॉर्फोलॉजिकल एरिया में, तो प्रॉब्लम होता है। जो आपने डेडिकेटेड स्टैक की बात की थी कि जो हिली एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें डेडिकेटेड स्टैक बनाना चाहिए, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के लोकल पीपल है उनकी जो ट्रेडिशनली नॉलेज है बेसिकली उसका भी इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, यस क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी जगह पर क्या कमी है, तो उसको भी थोड़ा अकाउंट में लेना चाहिए। और हम बात कर ही चुके हैं कि डेडिकेटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हो, ईआईए की हमने बात की, इसके बाद प्लान्ड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मल्टीपल एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और डिजास्टर रिलीफ के लिए पहले से ही जोनिंग हो गई, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिमिट्स हो गई, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो ये सारी यस चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। तो इस पे काम करना चाहिए। और मानसी आपको क्या कहना है इसके ऊपर? आई थिंक और सारे एरियाज कवर हो चुके हैं, कुछ न्यू एडिशन नहीं करना। ठीक है। ये हर्ष बोध से सेहत। यहाँ पर आई थिंक एक हैप्पी लाइफ की बात हो रही है जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहती है, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, लाइफ मिशन की हम बात कर ही चुके हैं, और किस तरीके से वो इसमें इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। हमारी डाइट हो गई, हमारा वर्क एनवायरनमेंट हो गया, हमारा वर्किंग और पीयर ग्रुप हो गए, तो ये सारी चीज़ें कोलैब मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें कितनी हैप्पीनेस लाती है जिससे कि हमारा हमारे सेहत पे नुकसान ना आए और बेसिकली हम एक विदाउट डिसीज फ्री एक लाइफ जी पाए। हास्य बोध मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो अगेन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है सो वो ऑब्वियसली आपके मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाजार बनाम इंसान। मानसी तो बाजार बनाम इंसान, एक यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में हमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिले, डीमैट अकाउंट्स जितने खुले जस्ट शॉर्टर टाइम पीरियड में, तो प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट्स दैट हैव बीन रजिस्टर्ड, सो एक इसको हम उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये ऑफन सी की शॉर्टकट में या टाइम शॉर्ट टाइम पीरियड में हम बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सो ऑफन दैट लीड्स इनटू लॉस। सो इस तरीके से बाजार भी जो आपको एक मैसेज देता है कि स्मॉल स्टेप्स काउंट्स, तो वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है। मैं बताऊंगा कि इसमें फाइनेंशियली अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और दूसरा, आंचल प्लीज़ स्विच ऑफ योर वीडियो। तो उससे पहले इंडिपेंडेंसी होना ज़रूरी है, और आपका जो रिस्क है इट शुड बी वेरी कैलकुलेटेड। आप अंधाधुन पैसा नहीं डाल सकते बाजार, और बाजार मतलब सिर्फ यहाँ पर स्टॉक मार्केट करनी होगा। आई थिंक इट वुड बी रिलेटेड टू द ओवरऑल बाजार कमर्शलाइजेशन। हर एक जगह कमर्शलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो जाए, चाहे वो वेडिंग का हो जाए, चाहे वो हैप्पीनेस को, हर जगह कमर्शलाइजेशन है। तो इंसान को अपना नर्व्स कंट्रोल रखना रखना चाहिए, और आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या उसे क्या क्या ग्रीड किया है और नीड किया है, तभी वो शुक्र ले सकते हैं। तो आई थिंक ये बाजार, उस पर बात करते हैं। और ये मतलब प्रवेश तो प्रतिभाशाली तथा पावन हृदय वाले व्यक्ति जिन विचारों को संसार में फैलाते हैं उनसे संसार में परिवर्तन आता है। तो बात कर सकते हैं विंस्टन चर्चिल की, नेल्सन मंडेला की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, श्री विवेकानंद जी की, शंकराचार्य की, बुद्धा की, महावीर की, जिन्होंने जिनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो उनका शरीर तो मर चुका है लेकिन उनकी जो विचार है वो जनरेशन जनरेशन तक जो सोसाइटी के अंदर टाइमली रिफॉर्म्स होंगे उनको लाने में एक अहम भूमिका निभाएगी।
तो उनसे संसार में परिवर्तन आता है। फिर आप राजा राम मोहन रॉय के जो प्रतिभाशाली कार्य हैं और उनका जो पावन हृदय था, वो मैन एम्पावरमेंट के लिए, सती के लिए, उसे हमने देखा कि किस तरीके से सती प्रथा कहीं ना कहीं खत्म हुई। उसके बाद हमने गांधी जी को देखा कि उन्होंने किस तरीके से नॉन वायलेंस और सर्वोदय की बात की, जो गरीब इंसान है उसकी बात की, जिसकी वजह से हमने मिक्स डेमोक्रेसी को अपनाया और आज के टाइम पर भी हम एक ग्लोबल मिक्स डेमोक्रेसी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल बने। स्वामी दयानंद सरस्वती की उन्होंने बात की, जिसका आज के टाइम पर हम देखते हैं कि कल्चरल रिवाइवलिज्म हर जगह होता है और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसके उसके लिए जो रिस्पेक्ट है लोगों के अंदर वो बढ़ी है। तो मेरी तरफ से ये है। मानसी, हाँ यही होगा इसमें, आई थिंक और तो कोई एडिशन नहीं कर सकते हो। हल्के बिक्रम ये सब जगह वहां पर बहुत भूकंप से बचाव को सार्वजनिक इमारतों का ऑडिट किया जाए, वही बता रहे। तो फायर ऑडिटिंग, सोशल ऑडिटिंग, तो ये भी ऑडिट किया जाना चाहिए। रेरा के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि वह रेट्रोफिटिंग किया है कि नहीं कंक्रीट का, या फिर जो छड़ लगता है क्या वो भूकंप रोधी है कि, सही बात है। बाल विवाह, एनसीआरपी के आंकड़े या संयुक्त राष्ट्र अनुमान में अंतर। देश में रोजाना 4,300 बाल विवाह होते हैं, जबकि मामले तीन दर्ज होते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है और एक स्लोगन है विद रिस्पेक्ट टू द कर्बिंग ऑफ द बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, और उसमें भारत में कैसे मुक्त होगा इससे, उस पर बात करते हैं ये। तो 18 साल से नीचे, अनुमान है कि यूएन का अनुमान है कि 15 लाख से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से नीचे मतलब पहले होती है। 15 लाख, तो 18 साल नीचे होने का प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मानसिक विकास पूरा हो नहीं पाता है, लेकिन आप शादी कर दिए जाते हैं, तो एक तरह से फीमेल के खिलाफ ही है। मेल का भी वैसे ही होता है, 18 साल नीचे पहले शादी होता है, बाल विवाह में आते हैं। क्या करना चाहिए मानसी, अभी भी ऐसा हो रहा है? एक तो फर्स्टली जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, मतलब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से दिस इज एन एक्सेप्टेबल थिंग, जहाँ पे होता है लाइक स्टेट्स लाइक राजस्थान में बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए, मतलब इंसिडेंसेस होते हैं, रिपोर्ट कम होता है। तो यहाँ पे हमें कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि केसेस ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट हो, एक वो इम्पोर्टेंट एरिया। लाइक एग्जैक्टली वील हैव टू लुक फॉर लाइक स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर दिस स्पेसिफिकली, एंड लाइक चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर अबाउट देयर राइट्स। सो एक वो एस्पेक्ट हो सकता है लाइक स्कूल एजुकेशन में स्पेसिफिकली। हाँ, स्कूल जैसे बढ़ाएंगे तो बाल विवाह नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करोगे तो बाल विवाह नहीं। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। मानसी, प्रवेश, अनाचल, यू कैन कंक्लूड एंड एंड। So, also, you can stop the screen sharing. I'll have to share another PDF. So, you can give me permission for screen sharing. Yes. Okay. ओके सो फर्स्टली वील टेक अप की इन द कोर्ट्स, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज आज जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे हम बात करेंगे
असम में हमें डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है. सो उसमें बेसिकली असम की प्रॉब्लम रियल है, बट जस्ट कैन नॉट जंप द प्रोविजन इन सिटीजनशिप एक्ट. यहाँ पे पिटिशन जो फाइल की गई थी दैट वाज अबाउट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट जो है. तो ये जो सेक्शन है ये गारंटी करता है जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आए थे इंडिया में बिफोर 1971, बिफोर द इंडो बांग्लादेश वॉर, उनको सिटीजनशिप राइट्स दी गई है. तो यहाँ पे पिटिशन में ये बोला गया कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं असम बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डेमोग्राफी, उसकी वजह से जो हमारी कल्चरल राइट्स है, जो सोशल लाइक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पे इम्पैक्ट हो रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि जो सेक्शन 6A है वो 1971 से पहले की बात करते हैं, जो पहले माइग्रेंट्स आए हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, उनके बाद जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात ही नहीं रही है. तो वो ये दोनों चीजें बेसिकली रिलेटेड नहीं. सो जो 1966 से पहले माइग्रेंट्स आए थे उनको कंप्लीट सिटीजनशिप राइट्स मिलेंगी, जो 1966 और 1971 के बीच में है उनको 10 साल के लिए वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी, बाकी द राइट्स वुड बी द सेम. देन सेकेंडली वी सी की है सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ झारखंड हाई कोर्ट व्हिच हैड ग्रांटेड द बेल्ट अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड की ही हैड क्लेम्ड इनोसेंस. क्लेम्ड इनोसेंस यहाँ पे मेजर लाइक फोकस देने वाली चीज है कि क्लेम्ड इनोसेंस एंड अश्योर्ड की कॉपरेशन होगा ट्रायल बेसिस पे. तो उस चीज को भी लाइक दैट दिस ऑर्डर हैज ऑल्सो बीन सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. एंड एनजीटी का अगर हम बात करें, एनजीटी ने ऑर्डर किया हरियाणा गवर्नमेंट जो अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है, तो इट इज बीइंग मतलब सामने दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स हैं या जो मेजर्स ले रही है टू स्टॉप दैट इलीगल माइनिंग वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, उसको कंप्लाई नहीं कर रही है गवर्नमेंट. तो अगेन उसके ऊपर एनजीटी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरावलीज जो है लाइक एंशियंट हिल रेंज है, तो उनका प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो पायस और लीगल ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू सेव गार्ड दैट. दिस वी हैव टेकन अप की सरोगेसी नोड फॉर द सिंगल वुमेन. सो इट इज बेसिकली अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जो सिंगल वुमेन है या अनमैरिड वुमेन है उनकी रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अब. सो दिस बेसिकली शोइंग रिफॉर्मेशन ऑफ द सोशल नॉर्म विदाउट मैरिज एंड अरे राइट पागल टू उनका मदरहुड. है ओके देन टेकिंग अप दिस लाइन ऑफ नो कंट्रोल कार्टून, तो इसमें बेसिकली डाइकोटमी ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि वुमेन पावर इज कॉलिंग द शॉट्स इन इलेक्शंस. वी आर सीइंग मोर नंबर ऑफ वुमेन बीइंग विक्टोरियस. ऑन द अदर साइड अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो दिस इज द डायकॉटमी कि वुमेन एम्पावरमेंट आप इसको बोलोगे कि अगेन केसेस भी साथ के साथ राइज हो रहे हैं. एंड यहाँ पे बिजनेस पेज पे वी हैव वन इम्पोर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसीज की क्रिप्टो करेंसीज ने 90 मंथ हाई लाइक अचीव कर लिया है. वाई दिस इज हैपनिंग, तो ये इसके पीछे जो बैकग्राउंड हम बोल सकते हैं कि देर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन कि क्रिप्टो ETFs अनाउंस हो सकते हैं बाय द US. सो अगर ये होता है तो दिस बी अगेन मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्रिप्टोस. सो साथ के साथ US बॉन्ड यील्ड्स जो है वो भी कम हो रही है एंड 2024 में भी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट कट भी पॉसिबल है. तो दीज आर सम साइन टूवर्ड्स यू नो मोर काम एंड रिड्यूस्ड वॉलिटिलिटी. तो कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इज इंक्रीजिंग. सो वी आर सीइंग मोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू द क्रिप्टो. सो दे हैव इंक्रीज अबाउट 150%. सो दिस इज वन अपडेट एंड दिस इज एग्जैक्टली द ग्राफ जो उनकी ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड जस्ट से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, तो द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एलन ट्यूरिंग. एंड एक ट्यूरिंग टेस्ट है विच इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इसमें हम बेसिकली मेजर द कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस. एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की हमने बात करी, उसमें भी बेसिकली यू नो क्लियरली थिंक अबाउट कि API और फॉर्मुलेशंस में क्या डिफरेंस होता है. तो फॉर्मुलेशंस जो फाइनल मेडिसिन फाइनल ड्रग्स हम बनाते हैं, API रॉ मटेरियल्स होते हैं. तो API की क्वांटिटीज की हम बात करते हैं कि क्वांटिटी के टर्म्स में वी आर डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर द इम्पोर्ट्स. क्वालिटी में भी API की क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसके लिए वी आर हैविंग प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट बीइंग डन. क्योंकि अगर पुअर क्वालिटी APIs होंगे तो उसकी वजह से डिजीजेस और ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं. एंड वन की टर्म इज पेटेंट क्लिफ. जो बहुत सारे ड्रग्स हैं पेटेंट क्लिफ का मतलब होता है कि दे आर नियरिंग द टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड के उनको पेटेंट राइट्स दी गई थी, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट क्लिफ.
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट द इन द न्यूज़पेपर वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट एंड दैट इज जीपीएस हाउ इट वर्क्स एंड 20 सैटेलाइट्स आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल पोजिशन सिस्टम. अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ओन सैटेलाइट फॉर सच एज ग्लोनास ऑफ द रशिया, बाइडू ऑफ द चाइना एंड जी एन एस एस इज ऑफ यूरोपियन यूनियन. इंडिया ऑल्सो हैव 7 सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू 3 इट इज इन जियो स्टेशनरी एंड 4 इज जियो सिंक्रोनस एंड इट इज कवरिंग लेस एरिया इन द इंडियन ओशन रीजन एज कम्पेयर टू ग्लोबल पोजिशनल सैटेलाइट. रिगार्डिंग द रेबीज प्रिवेंशन इज बेटर दैन बिकॉज देर इज नो क्योर सो दैट फॉर दैट वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट कर्लिंग इज नॉट डिजायरेबल इन लॉन्गर टर्म. देन रिगार्डिंग द डार्क पैटर्न वी डिस्कस द ई गेमिंग वी डिस्कस अबाउट हाउ द ई गेमिंग प्रोविजन इज देयर टू रेगुलेट इट गेम ऑफ चांस वर्सेज गेम ऑफ स्किल एंड दैट्स ऑल फॉर माई साइड. आंचल यू कैन टेक अप सोशल एस्पेक्ट. यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बी आर अम्बेडकर. सो उन्होंने तो यहाँ पे हम कुछ सोसाइटी के टर्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, डिप्रिवेशन. हैज बी आर अम्बेडकर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स, यानी विक्टिम्स ऑफ राइट के लिए. तो फिर हम यहाँ पे एक की वर्ड ये हो सकता है सोशल जस्टिस. तो द इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, डिप्रिवेशन, दीज आर पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम. तो यहाँ पे हमें प्रिवेंटिव और पैलिटेटिव केयर बोथ चाहिए. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की डेट सुसाइड केसेस आर राइजिंग. सो व्हाई इट इज देयर? सो डेट इज स्ट्रेस अनएड्रेस्ड. तो फिर उसके लिए हम क्या की उसका एक रीजन हो सकता है कि वी हैव पुअर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज सोशल टैबूज आर देयर डेट वी कैनोट अफोर्ड हेल्प. देन लैक ऑफ फैमिली कम्युनिटी सपोर्ट इज देयर. तो हमें उन सारी चीजों को देखते हुए इनको टैकल करने की जरूरत है. नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज राइजिंग. सो हम यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर सकते हैं. और हेयर सोशल रिफॉर्म्स विद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरकास्ट इशूज. तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सोसाइटी के ला सकते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी. देन नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम है, इनसेस्ट टैबू इज देयर, देन एक्सोगेमस यूनियन इज देयर. सो टू रिजोल्यूशन ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्युनल हारमोनी. नेक्स्ट वी हैव यूज टर्म सोशल ऑडिटिंग. देन चाइल्ड मैरिज केसेज आर राइजिंग. We have discussed कि 4,320 cases are there and only 3 were registered. So यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं for solution? That is awareness campaign is required and education is a tool to bring change. Then next society and government collaboration से ही ये हो सकता है. That's all from my side. Thank you. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do tune to Ansar Kari.